दिल्ली में एक और बड़ी मीटिंग है और वो है मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की। लगातार दूसरे दिन ये बैठक हो रही है और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस में टिकट को लेकर क्राइटेरिया बन गया है। टिकट किस तरीके से, टिकट का बंटवारा होना है, इसे लेकर क्राइटेरिया सेट हो गया है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। लेकिन टिकट देने का आधार क्या होगा, इसको लेकर कहा जा रहा है कि सहमति बन गई है, बात इसको लेकर बन गई है, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर, एमपी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कर रही है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार ये दूसरे दिन की मीटिंग और इस बड़ी खबर को आप जान लीजिए कि कांग्रेस में टिकट को लेकर क्राइटेरिया बन गया के ये बात सामने आ रही है। तो एमपी चुनाव पर ये बड़ी बैठक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की, दूसरा दिन है आज, बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन क्राइटेरिया सेट हो गया है, जो जानकारी मिल रही है। फॉर्मूला किस तरीके से रेडी, आपको समझाते हैं। देखिए, जो नेता पिछला चुनाव 5000 वोट से हारे, टिकट मिल सकता है। एमपी में कांग्रेस की ये रणनीति है, जो नेता पिछला चुनाव 20,000 से ज्यादा वोट से हारे, टिकट नहीं दिया जाएगा उन्हें। वो टिकट के लिए इस बार जो है वो उनकी दावेदारी लगभग खारिज हो जाएगी। लगातार तीन चुनाव हारने वाले नेता टिकट दौड़ से पूरी तरीके से बाहर हैं, जो लगातार तीन चुनाव हार चुके हैं। टिकट में किसको ज्यादा मौका मिलेगा, जो युवा है, महिलाएं और साथ ही जो नए चेहरे हैं उन्हें मौका ज्यादा मिलेगा। कांग्रेस की यह रणनीति तय हुई है और यह पूरा जो एक आधार है टिकट बंटवारे को लेकर वो तय हुआ है। इस पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ आप दो सहयोगियों को देख रहे हैं, नीरज हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही आशीष हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव है। सबसे पहले आशीष, आपके पास आते हुए, दूसरा दिन है इस बैठक का, आज क्या कुछ होना है? कहा यह जा रहा है सूत्रों से कि क्राइटेरिया सेट हो गया है, टिकट किस आधार पर और कैसे दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, जो आप रीड आउट कर रही थी, क्राइटेरिया पूरी तरह से कांग्रेस ने तय कर लिया है कि इस बार कैसे उम्मीदवारों को वो टिकट्स देने वाली हैं। आज लगातार दूसरा दिन है जिसका जिक्र आपने किया स्क्रीनिंग कमेटी का, ये दिखाता है कि कांग्रेस कितना गंभीर है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मच इन एडवांस अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ये सारे क्राइटेरिया तय किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और आज की बैठक में चेहरों का, उम्मीदवारों को तय किया जाएगा। और तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जल्द से जल्द आखिरी फैसला लेकर के सितंबर के अंत तक पहली सूची भी जारी कर दी जाएगी। क्राइटेरिया वही है शिरीन जिसका आप जिक्र कर रही थी, 5000 के तकरीबन अगर किसी वोट से जो पिछले कैंडिडेट्स हारे उनको तो टिकट इस बार दिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी पहले जातिगत समीकरण और सर्वे करा के इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पर तब फैसला लिया जाएगा। 20,000 से ज्यादा जो लोग वोट से हारे थे उनको इस बार टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। 3 बार चुनाव जो पिछली बार हार चुके हैं पिछली दफा तक, उनको टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं, वो रेस से बाहर है। और नए चेहरे, युवाओं को, महिलाओं को और नए चेहरों पर फोकस किया जाएगा। संभव है सितंबर के अंत तक आप पहली सूची कांग्रेस की देख सकें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जल्द ही इसे लेकर जो लिस्ट है वो भी जारी की जा सकती है। आप रहिएगा हमारे साथ, नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से फॉर्मूला सेट हो चुका है ये भी हमने अपने दर्शकों को बता दिया। अब सियासी एक्शन आज का एमपी चुनावों को लेकर क्या है, देखिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है ये कहा जा रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज दूसरे दिन भी बैठक, जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कल 4 घंटे तक ये बैठक चली थी और उस बैठक में 100 सीटों पर चर्चा हो गई थी, 100 सीटें जो हैं उन पर चर्चा हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी भी देखिए लगातार चुनावी मूड में है और रणनीति बीजेपी भी बना रही है, मतलब दोनों ही अपने अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी की क्या रणनीति आज रहने जा रही है उस पर जानकारी देने के लिए नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या अपडेट इसे लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। मैं जहां पे हूं ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, तैयारी पूरी हो चुकी है। शाम को करीब 6:30 और 7 के बीच में प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले भाजपा के अध्यक्ष और जो दूसरे नेता हैं जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की, छत्तीसगढ़ करीब 35 सीटें हैं और मध्य प्रदेश करीब 50 ऐसी सीटें हैं जो बी कैटेगरी की सीटें हैं, उनको लेकर आज यहां पर निर्णय होगा। ये बी कैटेगरी की वो सीटें हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव हार गई थी और संभावना ये है कि इस चुनाव में अगर पहले कैंडिडेट दे दिए जाएंगे तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति अपनाई है कि जिन सीटों पर वो बहुत कमजोर थे उन सीटों पर वो पहले ही कैंडिडेट दे रहे हैं। और यही कारण है कि एक सूची वो पहले ही जारी कर चुके हैं और वो सूची करीब 15 दिन पहले जारी हुई थी और दूसरी सूची पर आज निर्णय होना है, जो माना जा रहा है आज की बैठक के बाद देर रात या कल तक दूसरी सूची भी, बाजू की ये है कि उसको टिकट दिया जाए जो जिताऊ कैंडिडेट साबित हो।